हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर लागू करने के संबंध में आदरणीय महोदय आज विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई, और इस अवसर पर हमारा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लगातार पिछले 8-9 वर्षों से ज्ञापन देता आया है कि सख्त से सख्त कानून जनसंख्या कंट्रोल के लिए देश में बनाया जाए, अन्यथा हमारा देश गृह युद्ध में झेलना पड़ेगा हमारे देश को। ये आवश्यकता इसलिए भी ज़रूरी है कि लगातार हम विकास की बातें कर रहे हैं और जनसंख्या पर कहीं नियंत्रण नहीं है। आज हमारे देश ने अभी बहुत जल्दी ही चाइना को जनसंख्या वृद्धि में पीछे छोड़ दिया है। हमारी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लगातार कम होती जा रही हैं। कितना भी प्रयास कर लें वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कुछ तबका बहुत सीरियस है, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करके चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग उस पर विचार नहीं करना चाहते, कोई ना कोई आड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मंशा में दोष है, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है DM साहब को कि बहुत ही उसको गंभीरता से लें इस मैटर को, अन्यथा हम जो है अगला जो हम कार्यक्रम करेंगे 22 सितंबर हमारी तय हो गई है कि हम सब इकट्ठा होंगे गाजियाबाद बॉर्डर पर, और 23 सितंबर को गाजियाबाद बॉर्डर से हम प्रधानमंत्री कार्यालय कूच करेंगे लाखों लाख लोग, क्योंकि ये जो आज ज्ञापन का जो कार्यक्रम हो रहा है ये सारे तहसील स्थानों पर, मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर, पूरे देश में हो रहा है आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर। तो ये सारा जो कार्यक्रम है ये केवल सरकार को चिताने के लिए है कि इस विषय पर गंभीरता से सोचें और हमारे देश को गृह युद्ध से बचाएं, अन्यथा हम लोग बाध्य होंगे लाखों लाख संख्या में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री कार्यालय को कूच करेंगे 23 सितंबर को। धन्यवाद। देखिए, आज विश्व जनसंख्या दिवस है, इस मौके पर हमारे संगठन ने जो विश्व जनसंख्या के लिए समाधान के लिए बना है, हमारे सारे भाई खड़े हैं। आज इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि समृद्ध राष्ट्र की बात तभी की जा सकती है जब जनसंख्या पर नियंत्रण हो, इसी विषय को लेकर आज हम यहाँ आए हैं और इसी विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ये ज्ञापन सौंपा है।